हेलो फ्रेंड, आज देखिए मैंने बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन ऑर्डर की। तो यहाँ पे हमने देखिए गले का शेप ड्रॉ कर लिया है और इस तरह से ड्रॉ करके हमें फ्यूजन पेपर पे भी कट कर लेना है शेप को। और यहाँ पे हमने अस्तर और फैब्रिक को रखा, उसके ऊपर में हमने इसको पेपर पेस्टिंग में चिपका सारे स्टिच करके कट कर लेना है, पलटा लेना। पलटा करके हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ब्लाउज के चारों तरफ स्टिच करके फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद से हमने यहाँ पे लेस से डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट करने के बाद जो हमने पहले अस्तर पे डिजाइन कट किया था उसको हमने यहाँ पे रखे और थोड़ा सा आपको बढ़ा करके कट करना है, डिजाइन का शेप अच्छे से आ जाए, नहीं तो वह उतना बराबर करिएगा तो छोटा हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे फ्रिल बना करके इस तरह स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे पलटा लेना है, एक बार स्टिच कर देना है। और इसके बाद से यहाँ पे हमने मोतियों से इसको देखिए डेकोरेट कर देना है। डेकोरेट करने आपको यहाँ पे अच्छे से इसको चारों तरफ से स्टिच करना डिजाइन कर। मैंने इस तरह का शेप का ड्रॉ किया, ये राउंड शेप है गोल गला, और इस तरह से हमने फिनिशिंग पेपर पर पेपर पेस्टिंग पर ऐसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसको अस्तर के ऊपर रख के चिपका करके हमने इस तरह स्टिच कर लिया। इसे बहुत बार बताया भी है। और इस तरह से स्टिच करने के बाद हमने चारों तरफ से स्टिच करके ब्लाउज को पहले फिनिश करना है। नीचे में हमने देखिए यहाँ पर टक्स वगैरह डाल करके सब रेडी कर लेना है। उसके बाद लेस लगा के हमने डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद हमने हार्ट शेप का एक कट किया है और इस तरह से उसमें लेस लगा के डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे हमें तीनों को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे चलिए, उसके बाद से हमने ब्लाउज में देखिए इस तरह से ये फ्रिल बनाने का आपको बहुत वीडियो में बताई हुई हूँ, तो हमने फ्रिल बना लिया है और इस तरह राउंड शेप पे लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे इसको लेस से डेकोरेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हार्ट शेप का है, तो पहले आप सेंटर में इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला करके लगा दीजिएगा और उसके बाद दोनों तरफ से एक एक हार्ट शेप को लगा देना है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए